बागपत पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल बागपत में बढ़ती जा रही वाहन चोरी की घटनाएं पुलिस के लिए मुसीबत बनती जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर वाहन चोरों को धर दबोचा। इनके पास से पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद की है। थाना कोतवाली पुलिस ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए वाहन चोरों का गिरोह पकड़ा है, जिनके कब्जे से कुल 15 बाइक्स बरामद हुई हैं। जो 3 लोग पकड़े गए हैं उनके नाम लाला, काले और राजकुमार है, जो चांदी नगर थाना क्षेत्र के डिकौली गांव के रहने वाले हैं। इनसे और भी हमारे पास इनपुट मिले हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इनसे जो अभी प्राथमिक पूछताछ हुई है उसमें जो तथ्य प्रकाश में है उसमें ये पता चला कि ये सरकारी ऑफिसों को टारगेट करते थे, CSCs, PSCs, जिला अस्पताल तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठान जहां अमूमन रोज काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, वैसे जगहों को विशेष कर टारगेट करते थे। जो 15 बाइक्स बरामद हुई हैं उसमें 6 विभिन्न मुकदमों में कनेक्ट हो चुकी हैं। ये जैसा मैंने बताया ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इन्होंने दिल्ली, शामली, बागपत, जो 6 मुकदमे कनेक्ट हुए हैं वो दिल्ली के, बागपत के और शामली के हैं। बाकी बाइक्स का भी हम लोग पता करा रहे हैं कि कहां से ये चोरी या लूटी गई है। इनके पास से बाइक्स के अलावा मास्टर की भी बरामद हुई है। वाराणसी में लंका थाना पुलिस ने फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कुश नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो कि IB अधिकारी बनकर छात्रों से सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी किया करता था। एक लड़का है कुश पुत्र श्याम नंदन सिंह, ग्राम रसनपुर, पोस्ट पटोरी, जिला समस्तीपुर, बिहार का रहने वाला है। ये BHU के आसपास ये घूमता रहा था। जानकारी मिली कि ये IB का इंस्पेक्टर बन के जो है वसूली करता है और जो यहाँ लड़के तैयारी करते हैं उनको नौकरी नाम दिलाने के नाम पर जो है पैसे वसूली करता है। जानकारी मिली तो पुलिस ने दबिश दी और उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद से जो है IB का ID कार्ड उसे घर से जो है जहाँ ही रहता था वहाँ से एक नेम प्लेट मिला है, जिस पे इसने अपना नाम और अपने पद का नाम जो फर्जी है IB का वो लगा के रखा हुआ। पूछताछ बताया कि ये BTEC किया हुआ लड़का है, BTEC किया है इसने और ये पैसे कमाने के लिए चाहे जैसे भी ये ऐसा काम करता था। ये नंबर 2 का अभी तक ये किसी की नौकरी लगाया था और ये घूम घूम के लोगों से को डराता धमकाता था IB के नाम पर। अभी ये शुरुआत कर रहा था और ये इसी में पकड़ा गया। गाजीपुर में जमीनी विवाद में भाई ने भाई की जान ले ली। मामला सदर कोतवाली इलाके के लंगड़पुर गांव का है, जहां चचेरे भाई ने जमीनी विवाद के चलते भाई पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसमें मृतक मिथिलेश मिश्र का जो पुश्तैनी मकान है उसमें बंटवारे का झगड़ा काफी दिनों से चला आ रहा था। इनके परिवार के 3 वंशज हैं जो उस पर क्लेम करते हैं। इस बंटवारे को लेकर आज मीटिंग घर वालों ने रखी थी। इनके घर के सामने ही जब तीनों पक्ष बैठे बातचीत कर रहे थे तो एक पक्ष का जो प्रतिनिधि था जिसका नाम अभिनव इलियास विशाल मिश्र बताया गया है, जो वाराणसी से आया था, उसने उत्तेजना में इनको मृतक को चाकू मार दिया, जिससे मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है आरोपियों के विरुद्ध और पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना के बाद से परिजनों में शोक का माहौल है। बहरहाल आरोपी चचेरे भाई की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।